बहुत दिनों के बाद सोच रहे थे कि शेरशाह मूवी देखने के लिए, वाकई में फिल्म है भाई, बहुत जबरदस्त फिल्म है। वैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है इस टाइम पे, तो हम सो के जग गए थे, सुबह में ही जग गए थे, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी मूवी रात में देखे थे लेकिन पूरा नहीं देख पाए थे, अभी जो है देख रहे हैं उसको। तो अभी का सीन तो यही है कि थोड़ी सी मूवी देखते हैं, फिर अभी तो उसके बाद से नाश्ता पानी करके फिर उसके बाद बलिया भी आज निकलना है, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे निकलते हैं, जो भी होगा साथ में चलेंगे हम लोग। तो अभी तो सिर्फ फिलहाल का सीन यही है। गांव पे आने के बाद आप तो जानते ही हैं कि कितना काम रहता है, काम बहुत ज़्यादा था, करते 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 अब जाके जो है 3:30 हो रहा है, तो अब जाके निकले हैं बलिया के लिए। और आज जो मैं है दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, तो ये जो रास्ता पड़ता है ये गाँव से जो इंदरपुर की तरफ जाता है नागरा की तरफ, उस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अपने गाँव से। तो ये हमारा गाँव है, किसी तरफ दिख रहा है यही गाँव है, आगे हम लोग चलते हैं। और आपको आगे चलने के बाद पता चलेगा कि मैं कौन से रास्ते से बलिया जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो रोड दिख रहा है जस्ट सामने जो है मेन रोड है, ये मेन रोड जो है गणवार नगरा बलिया, ये वाला मेन रोड है। तो जस्ट उसी रोड पर हम पहुँचने वाले हैं और उसके बाद से वहाँ से टर्न लेंगे हम लोग बलिया के लिए, यानी जो लेफ्ट जाता है वो बलिया और राइट जो जाता है वो नगरा जाता है। तो ये है आपका गणवार नगरा मार्ग। तो इस मार्ग में हम जो है इंदरपुर से घूम गए और इस समय पहुँचे हैं अब चोगड़ा। तो ये चोगड़ा है और चोगड़ा से हम लोग यहाँ से लेना है हमें टर्निंग, तो यहाँ से हम घूमते हैं इस साइड में। और ये चोगड़ा का पूरा मार्केट है, आप देख सकते हैं, छोटा ही मार्केट है लेकिन बढ़िया मार्केट है। इसके बाएं साइड में आपको इंटर कॉलेज दिख जाएगा, गवर्नमेंटेड इंटर कॉलेज है ये। तो ये यहाँ पे बाज़ार लगा है आज सब्जी का, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार लगता है, तो मेरे ख्याल से आज संडे है, तो संडे को बाज़ार जो है चौगड़ा में ही लगता है, तो इसका ध्यान रखें। तो आज इस रास्ते के माध्यम से जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे चौगड़ा से जो हजौली, उसके बाद से चिलकहर, तो ये पूरा मार्ग है। और मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा कि मैंने आज हजौली क्यों दिखाया आप लोगों को। चौगड़ा से हजौली के मार्ग होते हुए चिलकहर के माध्यम से बलिया जा रहे हैं हम, तो क्यों दिखा रहे हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। कुछ मुख्य जगह है उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये आपका कुकुराहा कहलाता है, इसको कहते हैं ये कुकुराहा ग्राम सभा है, प्राथमिक विद्यालय। और जस्ट इसी के पास में आपका एक मंदिर है, ये बाबा तिलेश्वर नाथ का मंदिर है। तो ये भी मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इस तालाब में भी आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखेंगी, लेकिन अभी इस टाइम पर नहीं दिख रही हैं, पता नहीं क्यों। और ये मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये रहा मंदिर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अब आपका हजौली चालू हो जाता है यहाँ से हजौली, तो ये दोनों रोड दिख रहा है, दोनों जो है हजौली की तरफ जाते हैं। तो ये हजौली की तरफ जाते हैं, मतलब इस हजौली में आपके 1, 2, 3, 4 नहीं, इसमें कम से कम 27, मतलब कि एक टोल जो होता है ना पूरा जिसे कहते हैं, वैसे पूरा बना हुआ है पूरा हजौली में। सामने दिख रहा है वहाँ पे एक, वो ये दिख रहा है ना, ये भी एक पूरा है, इधर दिख रहा है तो ये भी एक पूरा है आपका। तो चारों तरफ ऐसे करते करते हुए बहुत सारे पूरे हैं इस साइड में, मतलब बता तो रहे ना कि 25, 26, 27 हैं यहाँ पे। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा गांव है ये, इसका ग्राम पंचायत देखा जाए तो एक बहुत बड़ा है। यहाँ पे तालाब है, बहुत बढ़िया खूबसूरत तालाब। अब देखिए ये भी एक आपका एक टोला आ गया, पूरा आ गया, इसमें भी जो है आपके 10, 20, 30 घर हैं। तो ये भी एक टोला, ऐसे ऐसे कर कर के छीटपुट जो है आपको बहुत सारे मतलब कि टोले यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 27 हैं। इधर से यहाँ पर चले दाहिने चले जाएंगे तो भी आपको एक टोला मिलेगा देखने को, सामने जो दिख रहा है वो भी आपका एक टोला दिख रहा है, इधर देखेंगे ये भी वही वाला है। ऐसे करते करते बहुत सारे हैं इधर। और
ये भी देख सकते हैं, ये भी आपका टोला है। सामने देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हजौली, शिक्षा क्षेत्र चिलकहर, ये प्राथमिक विद्यालय हजौली का है। तो हजौली का जो मेन जगह होता है ना, मेन मार्केट, वो यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका हजौली का मेन मार्केट स्टार्ट होता है। लेकिन भाई साहब को थोड़ा सा आगे जाने दिया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पीड में रखते हैं। बहुत खूबसूरत घर, ये आपका हजौली का मार्केट देख सकते हैं। छोटा ही मार्केट है, लेकिन सही है, बढ़िया मार्केट। छोटा होने से क्या मतलब है, सारी चीज़ें बस मिल जानी चाहिए। हजौली का ये मार्केट आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि यहाँ पर भी आज जो है बाज़ार लगा हुआ है, यानी कि हजौली का बाज़ार भी जो है संडे को ही लगता है। तो यहाँ पर भी आज लग रहा है कि बाज़ार लगा हुआ है, क्योंकि भीड़ भाड़ देख के लग रहा है कि आज यहाँ पे भी सब्जियाँ बिकती हैं। तो हजौली के बाज़ार से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हजौली भी जो है कई सारे पूरा टोला मिल के बना हुआ है, और बड़ा गांव है, बड़ा ग्राम पंचायत है इसका भी। अब यहाँ पे एक चीज़ बात आती है कि मैं जो है मेन रोड से होते हुए जो है आप लोगों को आगे लेके जा रहा हूँ, गाँव के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। तो देखो, गाँव के मैं बात बता दूँ कि देखो, यहाँ से मैं जैसे ही टर्न लूँगा इस गाँव में, तो बस एक क्या कहते हैं, एक मोहल्ला आएगा, एक टोला आएगा, पूरा आएगा, उसके बाद गांव ख़त्म हो। इसी तरह करते करते जो है सारे जगह की इसी तरह से हैं टोटल, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, इधर भी जो है आपका एक टोला है, इधर देखिए, इधर भी आपका एक टोला है, पूरा इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ जो है बिल्कुल टोले बने हुए हैं। और ये आपका कोई कॉलेज लग रहा है, PBSS कॉन्वेंट स्कूल, ये आपका स्कूल है। देखो, यहाँ से भी जो जाते हैं तो ये भी एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव है, लोहटा, लोहटा से ये भी एक गांव पड़ता है। तो मतलब ये बहुत सारे गांव मेरे टोले मोहल्ले से मिलके बना हुआ है हजौली। हजौली बहुत ही फेमस ग्राम सभा है बलिया में, ये जान जाइए, बहुत ही फेमस है। ये भी आपका मोहल्ला है, अब पता नहीं है हजौली में आता है कि नहीं आता है, मैं भी आता भी होगा, शायद हो सकता है कि चिलकहर में भी हो, पता नहीं। इसका नाम अभी देखे मैंने पहाड़पुर शायद लिखा था, ये पहाड़पुर ग्राम सभा है कि चिलकहर में है कि पता नहीं हजौली में है, उतना मुझे नहीं ख्याल है, लेकिन इसका नाम जो है पहाड़पुर है। और देखिए, यहाँ से भी अगर ऐसे जाते हैं तो आप जो है रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे, लेकिन मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं भी हो सकता है कि उस रास्ते से मुझे रिटर्न भी आना पड़े, वापस भी आना पड़ सकता है, या अगर सही हो जाने के लिए तो सीधे चले भी जाएंगे, नहीं तो वापस भी आना पड़ सकता है। देखिए यहाँ से ये जो है पानी जो है पूरा भरा हुआ है, अब पता नहीं बाइक पार कर जाएगा कि नहीं, बाइक चला जाएगा, कितना होगा, बाइक चला जाएगा कि नहीं, साइड से ऐसे। साइड से बोल रहे हैं जाने के लिए। इन सारी चीज़ों को जो है बना हुआ है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। देख रहे हो पानी कैसे भरा हुआ है, और साइड से जाना है, और साइड से तो मेरे को बड़ी दिक्कत लग रहा है यार, मेरा शीशा भी जो है सट जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो समझ जाओ कि बिल्कुल नीचे जाके गिरेंगे धड़ाम, चोट भी लगेगी बहुत भयंकर। लेकिन लग रहा है कि पार कर जाएंगे, ओ भाई पार हो जाओ, बस थोड़ा सा और है, हो गया। तो ये जो अंडरग्राउंड बनाया गया है और ऊपर से रेलवे का क्रॉसिंग बनाया गया है,
तो ये चीज़ जो है सही है, ठीक है। बाकी अब जो है मैं मेन रोड पहुंच चुका हूं। मेन रोड में इसको पहाड़पुर कहते हैं, पहाड़पुर की जगह है ये, इसको पहाड़पुर कहते हैं। तो मैं पहाड़पुर से एक दो किलोमीटर आगे आया तो इसका चिलकार मिल गया। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखो हजौली लिखा है ना, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से ये वाला, तो जो मैं बताया था वहाँ पे ना कि मैं इस रास्ते जाऊँगा, ये रास्ता चला जाएगा चिलकार, तो वही वाला रास्ता था वो। और वो रास्ते से होते होते आप जो है इस मेन रोड पर आ जाएंगे। और ये मेन रोड जो है आपका रसड़ा से बलिया वाला मेन रोड है, ठीक है। तो मैं रसड़ा से बलिया वाले मेन रोड पर आ चुका हूँ। और इस रोड के बारे में तो मैंने भी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आज मैं इस रोड को नहीं दिखाने वाला हूँ, बस यहीं तक दिखाने वाला हूँ। इसके बाद से सीधे अब डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं बलिया रूम पे। बज रहा है 6:30, इस टाइम पे पहुँचे हैं बलिया। ओ भाई सरांश, क्या हो गया भाई, तबीयत खराब हो गई है? हाँ, क्या हुआ है? मुंह से खांसी आ रही है, हैं? तो अभी जाके पहुंचे हैं घर पे और सरांश का हो गया है तबीयत खराब, इनको हुआ है बुखार और खांसी, तो अभी घर पे अभी तो पूरा लाइट भाग गया है, रात को बज रहा है 10:30। तो बस यार आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज बस इतना ही, गुड नाइट।